जी नमस्कार गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में क्या हालचाल है आप सबके एकदम बढ़िया आज हम सीखने वाले हैं एकदम नया मजेदार आप लोगों का फेवरेट टॉपिक जिसका नाम है नल टंकी, है ना पाइप एंड सिस्टर्न। जय श्री राम राधे राधे सस्त्रिया, काल केम छो मजामा सब लोग एकदम बढ़िया हो चलिए मैं एक मिनट इसको चालू कर लेता हूं ठीक है आज आप लोग की सिंटेक्स की टंकी भरते हैं यस वेरी गुड इवनिंग सभी का स्वागत है सब लोग एकदम बढ़िया हो बिल्कुल तो आप लोग एकदम टाइम पे पधार जाते हो है ना जय श्री राम जय हिंद राम राम मजे में छे ठीक <laughs> है बेंगोली में बेंगोली में बोलते हैं कैमोनाचो है ना और उड़ीसा में बोलते हैं केमिती वची और, और अपने मध्य प्रदेश में क्या चलता है क्या हालचाल है सभी को बहुत सारा आशीर्वाद जय हिंद हम्म, बिल्कुल शहीद भगत सिंह की जय हमेशा हमारे दिलों में राज करते हैं वो ओके चलें करें शुरू आइए देखिए उम्मीद है आप में से नल टंकी की चैप्टर मैक्सिमम लोगों ने इसका एटलीस्ट बेसिक पढ़ा होगा एक चैप्टर होता है अपना टाइम एंड वर्क यानी समय कार्य पूरे तरीके से समय कार्य वाले चैप्टर पर ही आधारित है ठीक है हा नहीं पड़ा है तो मैं आपको बता दूंगा चिंता ना करो काई करी राहो <laughs> ये कहा की भाषा है ठीक है पंजाबी में कि वे हो लेट स्टार्ट ठीक है देखो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूंगा जैसा आपको पता है है ना शुरू करने के पहले बता दूं कि रोज रात साढ़े आठ बजे हम मिलते हैं और मंडे बहुत अच्छा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं जिसकी आपने काफी डिमांड करी है और वैसे हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे है ना आ, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैप्टर्स हमने पढ़े हैं और अभी आगे पढ़ेंगे और ये अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी साढ़े बजे रोज रात को और बहुत ही जल्द मैं आपको प्रतिदिन दो वीडियो देने वाला हूं जैसे एक तो रोज अपनी क्लास होती है इसके अलावा जहां तक नेक्स्ट वीक से मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं कि मैं रोज आपसे दो घंटे मिलूं मे भी एक घंटा लाइव ये साढ़े आठ बजे वाली क्लास अपनी रोज चलेगी है ना इसके अलावा एक आपका और एक्स्ट्रा लेक्चर आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा वीडियो बोल सकते हो कभी वो लाइव होगा कभी अपलोड होगा लेकिन मैं आपसे रोज दो घंटे मिलने का प्रयास कर रहा हूं कि यूट्यूब पे आपसे रोज दो घंटे मिला जाए ना कुछ इन्फॉर्मेटिव कुछ जानकारी वाले वीडियो कुछ ऐसे जो आपके रणनीति से रिलेटेड पढ़ाई कैसे करना है तो उसको लेकर लूंगा उसका पूरा सिस्टम रेडी हो जाए वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है बिल्कुल बाकी इसके अलावा आप तैयार रहिए दो तीन बड़े बड़े धमाकों के लिए सबसे पहला धमाका 31 31 जुलाई को कुछ बढ़िया होने वाला है इसके बाद आप मान के चलिए लगभग छ अगस्त को कुछ होने वाला है छ अगस्त के बाद अगस्त के के पहले भी आप मान चलिए जहां तक है छो या तीन जुलाई मतलब आ, क्या कहूं मैं है ना इतनी सारी चीजें हैं थोड़ा सा लेट हो गए इसलिए सब चीजें अगस्त में चली गई है तो आप मान के चलिए लगभग दो तीन अगस्त के आसपास कुछ होने वाला है इसके बाद आपका एक पांच अगस्त को फिर कुछ होगा पांच या छह अगस्त को है ना छे अगस्त मान लो फिर पंद्रह अगस्त को फिर कुछ होने वाला है तो बहुत सारी चीजें आपके लिए सोची गई है और ये अवार्ड वाली बात नहीं कर रहा हूं है ना अवार्ड तो अलग चीज हो गई ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने सोची नहीं होंगी वो सब चीजें होने वाली है है ना तो देखते जाओ आप थोड़ा सा शेड्यूल व्यस्त होने के कारण इन चीजों में हम लेट हो रहे थे मैंने आपसे कहा था जुलाई में बहुत सारे धमाकेदार चीजें आपको हम देंगे लेकिन ठीक है थोड़ा सा दो चार दिन शेड्यूल आगे खिसक गया है लेकिन मजा आएगा आपको है ना तो सबसे पहला धमाका तैयार रहिए 31 जुलाई 31 जुलाई के लिए रात आठ बजे 31 को शायद संडे है ना और आपको पता ही अपना फेवरेट टाइम रात आठ बजे या साढ़े आठ बजे पढ़ाना हो तो साढ़े आठ और कुछ बम फोड़ना हो धमाका करना हो तो आठ है ना तो रोज आप आठ बजे या साढ़े आठ बजे चेक कर ही लिया करो सीरियल ब्लास्ट है टाइम बम लगा के रखे हैं सब यूट्यूब पे होगा ठीक है जी हा मतलब करीबन दस आठ से दस प्लान हैं जो अगस्त में मैं आपसे डिस्कस करूंगा पर फिलहाल पढ़ते नहीं तो अपने पढ़ने का आनंद खत्म हो जाएगा जैसा आप जानते हैं अपनी सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलती है टेलीग्राम पे जाइए द विनर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए और यहां से आप सभी क्लासेस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो नोट्स आप ले सकते हो ठीक है जी पंद्रह अगस्त पे लड्डू भी बटेंगे आपके ठीक है चलो तो अब ये रहा आपका पहला एकदम आसान एकदम नन्ना मुन्ना हल्का फुल्का चुन्नू मुन्नू हलवा जो कहना हो आप कह सकते हो एकदम सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है पढ़ें इसको इससे मैं समझ जाऊंगा जो आंसर दे देगा मतलब उसका बेसिक क्लियर है और जो इसका आंसर भी ना दे पाए मतलब उसका बेसिक शून्य है तो मैं बेसिक आपको समझा दूंगा बिल्कुल जिनका बर्थडे आ रहा है उनको आशीर्वाद जिनका जा चुका है उन्हें भी और जिनका आएगा उन्हें भी ठीक है यूट्यूब को फोड़ना ही है अपने को यूट्यूब का सर्वर मिलके डाउन करना है ठीक है उसमें आप लोगों का साथ चाहिए यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता ना क्लास का रुक जाओ जरा उसको अपन बताएंगे तुम लोग भी तो साथ नहीं देते हो हाँ। <laughs> Amazon फ्लिपकार्ट से लड्डू घर भेज देंगे बस देखो दो पाइप है और बी एक टंकी को बारह घंटे में दूसरा अठारह घंटे में भर सकता है दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यह प्रश्न मतलब वो डिस्क्लेमर नहीं आता है कि इस प्रश्न को हल करके कृपया अपने कॉन्फिडेंस को ना बढ़ाएं ये प्रश्न सिर्फ बेसिक समझाने के लिए दिया गया है तो कृपया करके अति विश्वास या आत, अति आत्मविश्वास में ना आए ओवर कॉन्फिडेंस ना हो यह सिर्फ बेसिक समझाने के लिए है देखिए एक नल है ए जो टंकी को बारह घंटे में भर सकता है और दूसरा नल है बी जो टंकी को अठारह घंटे में भर सकता है अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी देखिए आपने समय कार्य पढ़ा होगा हम सबसे पहले यहां पे एलसीएम निकालते हैं एलसीएम का मतलब होता है कुल कार्य दो चीजें यहां पे बहुत जरूरी है पहला होता है टोटल वर्क कुल कार्य और दूसरा होता है उनकी क्षमता पता लगाना है ना पूरा खेल कार्य और क्षमता का है बोलने को नल टंकी चैप्टर है लेकिन पूरा खेल यहाँ पे क्षमता और कार्य का है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है तो देखो पहले हम ऐसी संख्या सोचते हैं जिसमें दोनों का भाग जाए तो हम ले सकते हैं थर्टी सिक्स लेट से टोटल जो कार्य है वो कितना है छत्तीस है है ना कुल मुझे काम थर्टी सिक्स कराना है पहला नल बारह घंटे में भर देता है तो बारह तिया छत्तीस यानी तीन घंटे प्रति तीन कार्य प्रति घंटे और इससे भाग दोगे तो दो आ जाएगा तो आप याद रखिए यहां पे हम उनका समय रखते हैं टाइम रखते हैं जो भी है, क्षमता तो मिलती है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। है ना अब अगर दोनों से मिलकर मुझे कार्य करवाना है तो कार्य तो हमारा थर्टी है और दोनों से मिलकर कराना है तो पांच से भाग दे देंगे तो 36 का पांच से भाग दोगे तो सात सही एक बटे पांच घंटे और इसको मिनट में बदलना है तो साठ से गुणा कर दीजिए तो सात घंटे बारह मिनट अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो टंकी सात घंटे बारह मिनट में भर जाएगी ऐसा यहां पे कवि कहना चाहते हैं क्या आप कवि की भावनाओं को समझ पाए हां चलिए पढ़ने पे ध्यान लगाइए कॉपी पेस्ट वाले मजाक मस्ती वाले पर्सनल बातचीत करने वाले व्यवहारिकता निभाने वाले और यूट्यूब पे ही लड़का लड़की ढूंढने वाले थोड़े थम जाओ कुछ नहीं होना है तुम्हारा यहां पे समझते क्यों नहीं हो तुम कौन सी दुनिया में जीते हो ठीक है कुछ बनोगे तो तुम्हारी शादी होगी यहां कुछ नहीं होना है कमेंट करने से जॉब लगेगी तो ही कुछ हो पाएगा चलो उम्मीद है इतना सब समझ गए होंगे और जो अभी भी नहीं समझा है वो इस बात को समझ लो कि अगर कुल कार्य ठीक है कुल कार्य जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टोटल वर्क अगर हम इसको समय से भाग दे दें जो भी दिया हो समय घंटे में हो दिन में हो टाइम से भाग दे दें तो हमें मिलती है इनकी क्षमता और क्षमता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्षमता को बोलते हैं एफिशियंसी ठीक है अगला सवाल ठीक है हम्म बिल्कुल गजब बेच जाती है मानते कहा है ये देखो एक पापा की शेरनी अलग उधम मचाती है रोज ठीक है पढ़ लिया सवाल देखो पाइप पी एक टंकी के दो तिहाई भाग को दस मिनट में भर सकता है पाइप क्यू उसी टंकी के पच्चीस प्रतिशत भाग को पांच मिनट में खाली कर सकता है है ना दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ता है आपको यह पता लगाना पड़ता है कि अगर यह पूरा काम करें तो कैसे होगा सुनो मैं आपको बताता हूं देखो पाइप पी जो है वो दो तिहाई यानी टू थर्ड काम कितने मिनट में करता है दो तिहाई काम दस मिनट में करता है और पाइप क्यू है ना पाइप क्यू जो है वो परसेंट ट्वेंटी परसेंट को मैं एक बटे चार बोल सकता हूं जिसको वो पांच मिनट में करता है तो या पांच मिनट में खाली करता है ना खाली करना भरना उसको बाद में देखेंगे पहले आपको हंड्रेड परसेंट या टोटल वर्क निकालना होता है कि कुल कार्य कितना ठीक है भाई आपसे बोल रहे हैं दो तिहाई दस मिनट में अगर दो तिहाई दस मिनट में तो इसका अगर तीर गुणा करें तो इससे हमें पता चलता है कि पूरा कार्य कितने मिनट में है ना तो तीन का गुणा दस में हो जाएगा या दो से काट दो पांच बार पांच या पंद्रह अगर P से पूरी टंकी भरने का बोलोगे ना तो उसे पंद्रह मिनट लगेंगे और Q से पूरी टंकी खाली करने का बोलोगे तो उसे बीस मिनट लगेंगे समझ में आ रही है बात अब देखो P अगर अकेला पूरी टंकी भरेगा तो पंद्रह मिनट और Q अगर अकेला पूरी टंकी खाली करेगा तो बीस मिनट और आपसे बोल रहे दोनों पाइप खोल दो अब समझना पहला काम होता है एलसीएम लेना तो ऐसी संख्या सोचो जो पंद्रह और बीस दोनों से कट जाए तो वो हो सकती है साठ जो पानी भरता है उसकी क्षमता ऑलवेज प्लस और जो खाली करता है उसकी ऑलवेज माइनस है ना पानी भरने वाले की क्षमता प्लस और पानी खाली करने वाले की क्षमता माइनस क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जो एकदम नए नए बच्चे हैं क्लियर है चलो तो जब दोनों नल खुल जाएंगे तो सोचो बेचारा पी मेहनत करेगा वो एक घंटे में सॉरी एक मिनट में चार लीटर पानी भरेगा ये एक मिनट में तीन निकाल देगा ये चार भरेगा तीन निकाल देगा अल्टीमेटली एक ही यूनिट भर पाएगी है ना तो मुझे टोटल साठ लीटर पानी भरवाना है और एक मिनट में एक ही काम हो पाएगा तो पूरी टंकी को भरने में कितने मिनट लगेंगे पूरी टंकी को भरने में साठ मिनट लगेंगे भी आपका आंसर है जो पानी भरे उसकी क्षमता प्लस और जो खाली करे उसकी क्षमता माइनस बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है क्लियर है बोलो भैया कोई दिक्कत परेशानी है किसी सज्जन को कोई तकलीफ किसी देवी को कोई तकलीफ हो तो बताए है ना बस आपको यहां पे कुल कार्य निकालना था तीस तीस का आधा पंद्रह पांच इंटू चार बीस पंद्रह मिनट में भरता है बीस मिनट में खाली करता है खाली करने वाली की क्षमता माइनस चार में तीन गया एक, एक मिनट में एक ही काम हो पाएगा तो साठ काम करने में साठ मिनट लग जाएंगे ये आपका आंसर है इसी बात पे अगला सवाल ठीक है ओके दो पाइप मिलकर एक टंकी को पंद्रह घंटे में भरते हैं पहले पाइप की क्षमता दूसरे पाइप की क्षमता का दो तिहाई है दूसरा पाइप अकेले उसे कितनी देर में भरेगा देखो मैं आपको बताता हूं लेट से कोई भी दो पाइप है दोनों पाइप अगर मिलकर टंकी को भरेंगे तो इन्हें मिलकर टंकी को भरने में पंद्रह घंटे लगेंगे फिफ्टीन आवर्स लगेंगे पहले पाइप की क्षमता दूसरे की दो तिहाई है देखो पहले पाइप की क्षमता दूसरे पाइप की दो तिहाई है और आप अगर मेरे आ, मुझसे कोई भी लेक्चर आपने पढ़ा है तो मैंने आपको इसका तरीका कई बार बताया है जो पहले आए वो ऊपर जो बाद में आए वो नीचे है ना तो यहां पर एक बात समझिए कि पहले पाइप की क्षमता अगर दो है तो दूसरे पाइप की क्षमता तीन है इनका अनुपात क्षमता का क्या बनेगा दो अनुपात तीन अब यहां बहुत सारे बच्चे धोखा खा जाते हैं वो सोचते हैं सर पंद्रह है और दो पांच का भाग जा ही रहा है जाने दो ये आ गया आपका एक की वैल्यू तीन। फिर जब देखेंगे आंसर नहीं आएगा तो फिर सोचेंगे और कुछ करें जिससे आंसर आना चाहिए है ना ऐसा कुछ मत परेशान हो आप एक बात समझो अगर आप क्षमता में उनके समय का गुणा करते हो तो आपको हमेशा क्या मिलता है कुल कार्य टोटल वर्क और आपको एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क ऐसे सवालों में पहले वर्क पता लगाओ कुल कार्य पता लगाओ तब आपका प्रश्न लोग ऐसी तुक्का नहीं मारना है ना तो देखो भैया दोनों की क्षमता कितनी है पांच और दोनों मिलकर पंद्रह घंटे काम करते हैं यानी कुल काम कितना है सेवेंटी फाइव ये हो गया अब 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 हमें पता चल गया कि टोटल काम 75 है अब जिससे करवाना है तो दूसरा पाइप कितनी देर में भरेगा दूसरे पाइप की क्षमता है तीन, तो इसको तीन से भाग दे दो क्षमता मतलब अगर प्रश्न घंटे में तो प्रति घंटे मिनट में तो प्रति मिनट एक घंटे में तीन यूनिट काम करेगा तो पूरा काम तो मुझे 75 करवाना है तीन से भाग दे दीजिए पच्चीस घंटे आपका आंसर आ जाएगा दूसरे पाइप को खोलोगे पच्चीस घंटे में टंकी भर देगा बोलो दिक्कत? ठीक है? अरे दोनों की क्षमता कितनी पांच दोनों मिलकर काम करें पंद्रह घंटे तो पांच की क्षमता से पंद्रह घंटे काम करेंगे भैया तो पिचत्तर घंटे पिछहत्तर इनका कुल कार्य आ जाएगा अब अगर ए से करवाना है पहले वाले से कराना है तो दो का भाग दे दो दूसरे वाले से कराना है तो तीन का भाग दे दो पता चल जाएगा कौन कितना समय लेगा अगला देखिए प्रश्न को ढंग से पढ़ना सीखो है ना क्वेश्चन को जब तक ढंग से नहीं पढ़ोगे तब तक समझ नहीं आएगा पढ़ना अच्छे से बेहद जरूरी है ढंग से पढ़ोगे सब बनेगा ठीक है नो प्रॉब्लम ठीक है एक पाइप टंकी को तीन घंटे में भरता है परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी साढ़े तीन घंटे में भरती है टंकी पूरी भरी हो तब छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली होगी देखो मैं आपको समझाता हूं आपको कुल मिला वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर एक पाइप है, है ना वो टंकी को तीन घंटे में भरता है लेकिन एक छेद होने के कारण टंकी साढ़े तीन घंटे में भरती है है ना मतलब क्या होता है कि जब पाइप के साथ लीकेज भी खुल जाता है तो टंकी साढ़े तीन घंटे में भरती आप है आप ऐसे समझिए कि अगर केवल पानी भरने वाला नल चलता रहता तो तीन घंटे में टंकी भर जाती लेकिन यहां से एक लीकेज स्टार्ट हो गया तो उस कारण क्या हो रहा है यह बेचारा तो पानी भर रहा है लेकिन ये बेईमान जो है इधर पानी निकालते जा रहा है तो इस कारण टंकी साढ़े तीन घंटे में भरा रही है बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है है ना अगर अकेला पानी भरने वाला चलता रहेगा तो तीन घंटे लेकिन खाली करने वाला भी आ गया एक लीकेज छिद्र है पानी निकलते जा रहा है तो इसके कारण ये तो पानी डाल रहा है लेकिन ये निकालते जा रहा है तो साढ़े तीन घंटे मतलब इस साढ़े तीन के अंदर दोनों है पाइप भी है और लीकेज भी है लेकिन लीकेज के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है अब भी पता लगा लेंगे ऐसी संख्या सोचिए जिसमें तीन और साढ़े तीन दोनों का भाग चला जाए और कल ही मैंने आपको एलसीएम चैप्टर एस चैप्टर पढ़ाया था शायद आपने कल की क्लास ली होगी ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए है ना तो ट्वेंटी ले लेते हैं तीन से भाग दोगे सात बार और साढ़े तीन से भाग दोगे छह बार अब बात समझना मुद्दा समझना या क्या है, है ना सात एफिशिएंसी या क्षमता किसकी है नल की है ना जो नल पानी भर रहा है ये उसकी क्षमता है लेकिन जब नल के साथ छिद्र या लीकेज खुल जाता है तो क्षमता छे पे आ जाती है बात समझ रहे हो अगर नल अकेला चलेगा तो सात लेकिन छिद्र आ गया तो छ तो सात में से छे गया तो क्षमता कितनी बचेगी एक मतलब इस छिद्र की क्षमता कितनी होगी इस छिद्र की क्षमता एक होगी अरे इसीलिए तो सात से छ पे आ गया सात से छ पे क्यों आया क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता कितनी है माइनस की एक है तो अगर अब हम बोलेंगे कि चलो यार छिद्र पूरी टंकी भरी देते हैं तुम ही खाली कर दो तो बोलेगा ठीक है सर इक्कीस घंटे में हम पूरी टंकी खाली कर देंगे ये आपका आंसर आ जाना चाहिए डी वाला ट्वेंटी आवर्स क्या आपको बात समझ में आई है ना वेरी गुड क्या कहा मैंने नल अगर चलेगा तो सात की क्षमता लेकिन छिद्र खुल जाएगा तो ये प्लस में ही है है ना घंटे छंटे छे, पे, छे पे आ गए, तो एक की कमी हो रही है मतलब ये जो छिद्र है इसकी क्षमता माइनस एक है तो इससे कहेंगे सात में से छे गया एक क्योंकि छिद्र है खाली कर रहा है तो क्षमता माइनस में आएगी एक की क्षमता से पूरी टंकी खाली करेगा इक्कीस घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा ये आपके प्रश्न का सुंदर सा सटीक सा सिंपल सा आंसर है कर हौसला बुलंद विनर्स के संघ क्या बात है ठीक है हाँ जी नमस्कार प्रणाम अगला सवाल देखिए क्या बोल रहे हैं ए और भी एक टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं उससे 16 मिनट ज्यादा समय में ए भर सकता है और 25 मिनट ज्यादा समय में बी उसको भर सकता है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए टंकी कितनी देर में भर जाएगी बहुत ही सुंदर प्यारा आसान सा सवाल जल्दी से करके बताइए लाइक करने का आपको नहीं बोलेंगे आज से बंद कल से ही बंद कर दिया मतलब ठीक है आप कोई भी लाइक नहीं दबाएगा आप देख लो तुम लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा क्लास के खत्म होते ही हाँ। चलो आ जाओ देखो इसका एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट तरीका होता है इसके दो ही तरीके हैं या तो शॉर्टकट लगा लो ट्रिक लगा लो या फिर एक्स वाली मेथड लगा लो और मेरा सजेशन है कभी इसमें एक्स से मत करना परेशान हो जाओगे शॉर्टकट सीखो मैं समझा रहा हूं देखो ए और बी मिलकर हमें नहीं पता टंकी कितनी देर में भरेंगे लेकिन अगर अकेला ए को खोल दिया जाए तो जितना समय लगता है उससे 16 मिनट ज्यादा और अकेला बी को खोल दिया जाए तो जितना समय लगता है उससे 25 मिनट ज्यादा तो दोनों मिलकर अगर टंकी भरेंगे तो कितना समय इसका सिंपल सा तरीका होता है कि जो भी आपको अगर ये एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये जो भी एक्स्ट्रा समय है इनका गुणा करिए और इसको वर्गमूल के अंदर कर दीजिए आपको दोनों का समय मिल जाएगा जितना एक्स्ट्रा है उसका गुणा करके वर्गमूल कर दीजिए 16 किसका वर्ग होता है और 25 किसका वर्ग होता है तो आंसर आएगा 20 अगर ए और बी दोनों मिलकर टंकी को भरेंगे तो 20 मिनट में टंकी भर देंगे ये आपका सुंदर सा आसान सा नन्ना मुन्ना सा आंसर आ गया ठीक है ये शॉर्टकट सबसे बेस्ट है हमेशा लगाइए कभी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी है ना कभी बोलेंगे कि ए को नौ घंटे ज्यादा लगते हैं बी को सोलह ज्यादा लगते हैं तो बस सोलह और नौ को ले लेना वर्गमूल कर लेना चार और तीन बारह घंटे आंसर आ जाएगा हमेशा संख्या ऐसी देंगे जो किसी ना किसी का वर्ग बनेगी है ना अच्छा आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं कि कल कल तो नहीं मतलब कल तो संडे कल संडे कुछ स्पेशल रहेगा सरप्राइज रहेगा वो कल देखेंगे मंडे यानी सोमवार को आपको क्या पढ़ाने वाला हूं मैं तो सोमवार रात साढ़े आठ बजे हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन लेकिन मेंसुरेशन में क्या पढ़ेंगे टू डी थ्री डी भी होता है टू डी भी होता है तो क्षेत्र मिट्टी में टू डायमेंशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हम करेंगे सोमवार रात साढ़े आठ बजे तो इसके लिए पधार जाइएगा सारी चीजें आपको इससे जुड़ी हुई हम सिखा देंगे सोमवार को साढ़े आठ बजे है ना तो YouTube पे अपन मिलेंगे लाइव इसके अलावा आपको पता है कि सोमवार से यूट्यूब पे विनर्स की तरफ से फिर धमाका होने वाला है अब ये अपने आप में एक अलग चीज है 16 घंटे की क्लासेस सोमवार से आपको यूट्यूब पर मिलने वाली है 16 यूट्यूब क्लासेस ठीक है शेड्यूल आपके सामने है ये विनर्स की मेन चैनल है जिसपे इतनी क्लासेस लगेंगी है ना इसमें से कई क्लास तो रोज लगती है कुछ और जुड़ गई है एमपीपीएससी पी की चैनल पर चार क्लासेस बैंकिंग की चैनल पर तीन क्लासेस और बाकी अपनी मेन चैनल पर इतनी तो 16 घंटे की निशुल्क क्लासेस आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी विनर्स की टीम मेहनत करके आपके सामने लेकर आ रही है है ना तो तैयार रहिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिस समय आपको जिस टीचर से पढ़ना है जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस समय पे आप पधार जाइएगा ठीक है चलो इसके अलावा आपको बस एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको पता है कि हर संडे विनर्स के ऐप पर एक स्पेशल ऑफर आता है तो आपको अगर मेरा मैथ्स का कोर्स लेना है पूरा मैथ्स पूरे 33, 34, 35 टॉपिक एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक मेंस लेवल तक पढ़ना है तो आप मेरा मैथ्स का कोर्स ले सकते हो सिर्फ एक दिन का ये ऑफर है इसका कूपन कोड है ऑफ 500 तो आप विनर्स की ऐप पर जाइएगा आप लाइव बैच भी खरीद सकते हो रिकॉर्डेड बैच भी खरीद सकते हो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है है ना आपको सोचना है कि पूरा लाइव पढ़ना है कि पूरा रिकॉर्डेड देखना है जो आप लेंगे उसमें आपको ऑफ फाइव कूपन कोड का यूज करना है पांच का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा केवल और केवल मैथ्स के फाउंडेशन बैच पर तो अगर आप चाहते हैं तो मेरा कंप्लीट मैथ्स का बैच ले सकते हैं केवल कल 24 घंटे का ऑफर रहेगा बाकी अपनी मैथ्स की बुक है ही आपने शायद ले ली होगी अब तक और बाकी सारे कोर्सेज तो नहीं चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स हाँ एक्स मेथड से हम नहीं बताएंगे मोहित एक्स से, से हमें बताना बिल्कुल पसंद नहीं है जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक एक्स से, से नहीं करते थैंक यू विशेष जी हम्म ओके मेरी क्लास तो साढ़े आठ बजे हो ही रही है ना रोज देखिए नल ए एक टंकी को दस घंटे में भर सकता है किंतु एक छिद्र खुले रहने के कारण एक तिहाई पानी बह जाता है इस स्थिति में टंकी को भरने में कितना समय लगेगा है ना एक बात आप समझना यहां पर क्या हो रहा है एक तिहाई पानी बह जाता है है ना लेट से एक नल है जो 10 घंटे में टंकी भर सकता है और एक दूसरा है जो खाली कर रहा है जिसके बारे में फिलहाल हमें नहीं पता है है ना और इनका कुछ ना कुछ एलसीएम आएगा थोड़ी सी फ्रेमिंग आप समझना इसकी क्षमता प्लस में आएगी इसकी क्षमता माइनस में आएगी मान लेते हैं है ना इस एक तिहाई को देखकर मान लेते हैं कि इसकी क्षमता तीन है मान लो जो पानी भर रहा है उसकी क्षमता क्या है तीन है तो दस की क्षमता से अगर वो दस घंटे तक तीन की क्षमता से काम करेगा तो कुल कार्य कितना होगा तीस और एक तिहाई पानी निकल रहा है मतलब सामने वाला तीन लीटर पानी भर रहा है तो यह जो है एक लीटर निकाल रहा है मतलब इसकी क्षमता एक होगी सिंपल बात है है ना अगर यह तीन लीटर पानी डाल रहा है तो वो एक लीटर निकालते जा रहा है तो पानी भरने वाले की क्षमता प्लस तीन खाली करने वाले की क्षमता माइनस की एक बात समझ आ रही है तो एक की क्षमता से आप यहां पर भाग दोगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा भैया टोटल हो जाएगा तीस है ना और ये एक की क्षमता से अगर टंकी खाली करेगा तो बी अगर पूरी टंकी इसको बोलेंगे खाली करने का तो इसको तीस घंटे लगेंगे ये आपके प्रश्न का सुंदर सा प्यारा सा नन्ना सा जवाब हो जाएगा बोलिए किसी सज्जन को कोई दिक्कत हम्म ठीक है अच्छा और कुछ पूछा है क्या टंकी को भरने में कितना समय लगेगा खुला रहने भरने वाले नल इस में टंकी को भरने में... अच्छा सॉरी मैं थोड़ा सा कितने देर में लेकिन अगर दोनों नल खुल जाएंगे है ना? अगर पानी भरने वाला चलेगा तो तीस घंटे में टंकी जो है सॉरी दस घंटे में वो टंकी भर देगा लेकिन खाली करने वाला उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो देखिए टोटल काम कितना हो जाएगा टोटल काम है तीस तीन में से एक चला जाएगा यानी दो की क्षमता से काम हो पाएगा तो पूरी टंकी भरने में पंद्रह घंटे लगेंगे यह आपका आंसर है मैं समझा कि आपसे पूछा है खाली करने वाला कितनी देर में करेगा उस केस में आंसर तीस आता लेकिन अगर ए और बी दोनों नल एक साथ खुल जाएंगे तो टंकी उस केस में पंद्रह घंटे में भराएगी यह आंसर है आपका फिफ्टीन इज द राइट आंसर बात समझ आ रही है नहीं आएगा फिर से बता रहा हूं अगर इसकी क्षमता तीन तो इसकी क्षमता एक तीन में से एक गया दो, दो का भाग देना था पंद्रह घंटे आपका आंसर है क्योंकि दोनों खुल जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी यह आपसे पूछा गया था इसी बात पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं अरे ठीक है भाई हो गई गलती माफ कर दो अब इतना लिखते हो ठीक है जिनका तीस आया था वो नाराज हो गया <laughs> इससे पता चलता है कि तुम कितना तुक्का मारते हो गलती होने से भी कुछ ना कुछ सबक मिल ही जाता है नेक्स्ट वीक ज्योमेट्री की भी क्लास लगेगी चिंता ना करो पाइप ए और बी टंकी को 27 पैंतालीस दोनों को खोल दिया जाए कितने समय बाद एक को बंद करें कि टंकी पूर्णतः पच्चीस मिनट में भर जाए देखो बहुत तो ही प्यारा सवाल एक और आपके सामने देखिएगा ए जो है सत्ताईस मिनट में टंकी भर सकता है और बी जो है वो पैंतालीस मिनट में टंकी भर सकता है यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तब कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए ताकि पूरी टंकी जो है 25 मिनट में भर जाए तो पहले तो ऐसी संख्या सोचो जो दोनों से कटती हो तो 45 तिया 45 फाइव थ्रीजा वन और 27 का पांच गुना एक मतलब सही है है ना 27 से भाग दोगे क्षमता पांच आ जाएगा 45 से भाग दोगे क्षमता तीन आ जाएगी क्या आपको ये बात समझ में आई आगे बोल रहे हैं यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तब कितने समय बाद ए को बंद करें ताकि पच्चीस मिनट में टंकी भर जाए अब देखो मेन मुद्दा क्या है ए को बंद करना है और पूरी टंकी को 25 मिनट में भरना है मतलब ए बंद होगा लेकिन बी बंद नहीं होगा बी पूरे 25 मिनट चलेगा तो आप एक बात बताओ देखो हुआ क्या होगा कि ए और बी भी चले होंगे फिर ए को बंद कर दिया होगा तो बी चला होगा मतलब मुझे समझ में आ गया कि बी तो पूरे 25 मिनट तक चला और बी की क्षमता कितनी है बी की क्षमता पांच है सॉरी बी की क्षमता कितनी है बी की क्षमता तीन है तो इसने सेवेंटी फाइव यूनिट काम किया इस प्रोजेक्ट में बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है बी का कॉन्ट्रीब्यूशन सेवेंटी है क्या आपको इतनी बात समझ में आई हां ठीक है अब जो काम बचा टोटल काम 135 था उसमें से बी का कंट्रीब्यूशन 75 है सो द रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन इज 60 यूनिट्स ये कंट्रीब्यूशन किसका होगा ए का तो ए का कंट्रीब्यूशन है 60 है ना और ए की क्षमता कितनी है पांच मतलब उसको 12 मिनट बाद बंद कर दिया होगा क्या ये आपका आंसर है ऑप्शन ए 12 मिनट्स, बोलो आया समझ में हाँ. फिर से सुनो अरे ए को बंद करना है मतलब बी तो पूरा चलेगा बी को बंद नहीं करना है और 25 मिनट में टंकी भरनी है यानी बी पूरे 25 मिनट तक चलेगा तीन की क्षमता से तो 75 यूनिट्स काम इसने किया 135 में से 75 गया तो बचा 60, ये काम कौन करेगा ए करेगा ए बोलता है कि सर मैं एक मिनट में पांच यूनिट काम करूंगा तो साठ यूनिट काम अगर मुझे दोगे तो मैं बारह मिनट में करूंगा ट्वेल्व मिनट्स इज द आंसर बारह मिनट इसका आंसर आएगा बोलो कोनो दिक्कत हम्म ठीक <laughs> है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट थोड़ा सा लेवल अब बढ़ता जा रहा है अंत तक बने रहें, सारे प्रश्नों का आंसर लेकर जाएं। प्रद्युम्न बोल रहे हैं पूरा दिन जाने दो ना भरने दो टंकी भरने के बाद बंद करो इतना टेंशन काय को ले रहे <laughs> ये तो तुम एग्जाम में बोलना ठीक है भैया प्रद्युम्न जी हम्म राधे राधे नो दिक्कत एनी प्रकार की समस्या दो नल एक टंकी को 32 और 40 में भर सकते हैं तीसरा 16 मिनट में खाली कर सकता है दोनों नल 10 मिनट तक खोले उसके बाद तीसरे को भी ले आए अब टंकी का क्या होगा पहले ही बता दिया इन्होंने ये बताना नहीं चाहिए था वैसे लेकिन खाली हो जाएगी उन्होंने बता दिया देखो एक को ए नाम दे दो बत्तीस मिनट में भरेगा एक को बी नाम दे दो चालीस मिनट में भरेगा एक को सी नाम दे दो और ये सोलह मिनट में खाली करेगा है ना ए और भी भरने वाले सी खाली करने वाला है एबीसी नाम हमने अपने मन से दिए उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला है एलसीएम क्या ले लोगे चालीस 16 एक 160 साठ वन सिक्सटी से काम हो जाएगा क्या थर्टी टू से डिवाइड करोगे पांच बार फोर्टी से डिवाइड करोगे चार बार एंड 16 से डिवाइड करोगे माइनस दस बार अगर आप देखोगे पांच और चार नौ और माइनस दस इसका मतलब भैया इस बार खाली करने वाला भारी पड़ रहा है इतना पानी नहीं आ रहा है जितना खाली हो रहा है ठीक है ठीक <laughs> है दोनों जितना पानी भरेंगे उतने उससे ज्यादा यह खाली कर देगा तो यह टंकी को पहली बात तो भरने ही नहीं देगा अब आपको यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलेगा पहले दोनों नल को खोला जाता है यानी ए और बी को यहां पे खोला जाता है दस मिनट तक तो ए और बी की क्षमता कितनी है नौ और दस मिनट तक अगर ये चलेंगे तो नब्बे यूनिट्स नब्बे इकाई काम होगा अब क्या होता है जब जब खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा हो है ना जितना पानी आ रहा है उससे ज्यादा पानी अगर जाए तो हम बोलते हैं कि खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है तो वो क्या करेगा टंकी को भरने ही नहीं देगा है ना अब जब वो आएगा तो देखो आपकी टंकी की क्षमता है 160 लीटर और आपने 90 लीटर पानी इसमें भरवा दिया और जैसे ही तीसरे वाले पाइप को खोलोगे तो तो ये तो खाली करने पे तुला है ये बिचारे नौ लीटर पानी डालेंगे दस निकाल देगा मतलब ये टंकी को भरने नहीं देगा उल्टा जितनी टंकी भरी हुई है वो खाली हो जाएगी ये मेन मुद्दा है। तो आपको यहाँ पे ऐसे केस में हमेशा क्या लेना होता है कि इन बिचारों ने मेहनत करके जो नब्बे यूनिट काम करा है ये तीसरे के आने से पांच और चार नौ दस गया तो आया एक मतलब ये हर मिनट एक खाली करते जाएगा तो अगले 90 मिनट में जितना पानी उन्होंने भरा था वो भी खाली हो जाएगा ये आपके प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी उम्मीद है आप बात समझ पाएंगे ठीक है जी जब भी खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा होगी वो पानी भरने नहीं देगा जितना पानी भरा है वो खाली हो जाएगा है ना सो so, 90 मिनट नब्बे यूनिट्स और एक की क्षमता से खाली होते जाएगा अगले नब्बे मिनट में टंकी खाली हो जाएगी यह आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर सोलह ठीक है <laughs> चलो डन है अगला देखिए एक और बढ़िया सवाल नल ए टंकी को पांच दो बटे पांच में भर सकता है बी एक चार पांच में भरता है और सी तीन तीन पांच में खाली करता है तीनों एक साथ खोल दें टंकी कितने मिनट में भर जाएगी अथवा खाली हो जाएगी ये बढ़िया सवाल है तुक्के तो वाले तैयार हो जाओ करो अपना काम शुरू खोलो अपनी दुकान और पढ़ने लिखने वाले बच्चे जल्दी से सॉल्व करो हम्म चलो प्रद्युम्न जब जागो तब सवेरा अब मजा आता है आप पढ़ो ठीक है <laughs> अच्छा देखिए इसको आसान कैसे बनाएंगे उस पर जरा हम चर्चा करते हैं एक हो गया भैया आपका ए तो पांच और पांच पच्चीस और दो तो ये बनेगा आपका ट्वेंटी सेवन अपॉन फाइव फिर आएगा बी तो बी क्या हो जाएगा पांच एकम पांच और चार ये हो जाएगा आपका नाइन बाय फाइव फिर आएगा सी पांच या पंद्रह और तीन मतलब अठारह बटे पांच बात समझ रहे हो अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एलसीएम कैसे लेना है है ना? जब भी भिन्न में संख्याएं आए तो एलसीएम हमेशा ऊपर वाले नंबर को देखकर लेते हैं ट्वेंटी लेकर आप हमेशा एलसीएम लोगे ऊपर वाली संख्या को देखो नीचे वाली संख्या को मत देखो क्यों नहीं देखना है वो भी बताऊंगा मैं अभी तो आप सोचो कि क्या किया जाए इनके साथ कि अपना काम बन जाए है ना तो आप 90 नहीं ले सकते 180 नहीं ले सकते चाहे तो 270 ले सकते हो है ना या इसके अलावा इस बीच में कुछ आ रहा है क्या देखो 18 और 9 का काम तो किससे हो जाएगा लेकिन 27 है ना 135, 270, 270 ही ले लें क्या 270 से ही बात बन जाएगी 18 का भाग भी चला जाएगा 9 का भी चला जाएगा 27 का भी चला जाएगा 270 से बात बन जाएगी क्या हाँ, कई लोगों ने आंसर दे भी दिए हैं बहुत अच्छी बात है अच्छा हाँ ये बात भी सही यार इतनी बड़ी संख्या क्यों सोचे छोटी संख्या भी तो ले सकते हैं फिफ्टी फोर से भी तो बात बन जाएगी बिल्कुल सही बात है अब देखो होता क्या है फिफ्टी फोर एलसीएम ले लो दो सौ सत्तर ले लो कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होता है क्यों हम ऊपर वाली संख्याओं को देखते हुए एलसीएम लेते हैं क्योंकि फिफ्टी को आप सत्ताइस बटे से भाग दोगे तो ये जो पांच है ये पलटी खा के ऊपर चला जाएगा इसलिए अपने को पांच से मतलब नहीं है भाई यहां सत्ताईस का भाग देना है यहां नौ का देना है या अठारह का देना है जिससे भाग देना है उससे मतलब रखेंगे ना क्योंकि ये पांच तो जो भी पलटी खा के ऊपर चला जाएगा तो देखो सत्ताइस का दुगुना तो पांच का दुगुना कर दो नौ का छह गुना तो पांच का छ गुना कर दो है ना अठारह का तीन गुना तो पांच का तीन गुना कर दो कारण उसके पीछे ये है सत्ताईस से कैंसिल होगा तो पांच का दुगुना डिवाइडेड बाय बाय ये ये 5 कैंसिल हुआ 5 चला गया तो ये आपका 30 आ गया आ ये 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 तो आपका आ ऐसे ही क्षमता कितनी है चालीस फोर्टी है ना और इसकी क्षमता कितनी है पंद्रह तो फोर्टी में से अगर 15 चला गया तो हमारे पास पच्चीस बचेगा फिफ्टी फोर यूनिट काम है जो ट्वेंटी फाइव की एफिशियंसी सॉल्व होगा और मजे की बात यह ऑप्शन इसी प्रकार के दिए हुए हैं ए आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा ओके okay? कुछ समझ में आया ठीक है बड़ी सिंपल बात है सत्ताईस का दुगुना पांच का दुगना नौ का छह गुना पांच का गुना अठारह का दुगना अठारह का, 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 का तीन गुना पांच का तीन गुना ये दोनों भरने वाले प्लस ये खाली करने वाला फोर्टी फोर्टी में से पंद्रह गया बच्चे स्कूल काम है अपना फिफ्टी फोर आंसर आ गया आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने वेरी गुड <laughs> एक नल किसी टंकी को छह घंटे में भर सकता है लेकिन रिसाव के कारण टंकी उसे डेढ़ घंटा अधिक समय लग जाता है पूरी टंकी भरी हो तो रिसाव कितनी देर में खाली कर देगा पढ़ो बस ध्यान से बहुत ही आसान सवाल है सब लोग इसका आंसर दे सकते हैं अच्छा हिमांशु जी थैंक यू थैंक यू अच्छा लग रहा है धन्यवाद आपका देखो इसका तरीका आपको बता देते हैं बात बड़ी आसान है एक नल किसी टंकी को छह घंटे में भर सकता है नाम दे देते हैं ए लेकिन इसके साथ लीकेज आ जाता है देखो बात वही है पाइप और जब पाइप के साथ लीकेज आ जाता है रिसाव आ जाता है तो डेढ़ घंटा ज्यादा लगता है वन एंड हाफ को बोलेंगे वन पॉइंट फाइव पहले छह घंटे लगते थे लेकिन लीकेज होने के कारण साढ़े सात घंटे लग रहे हैं तो लीकेज पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है यह आपसे पूछा है अकेला पाइप चलेगा तो छह घंटे पाइप के साथ लीकेज आ जाएगा तो साढ़े सात घंटे अकेला लीकेज चलेगा तो कितने घंटे छे सात का एलसीएम ले लो हमेशा ना देखो मैं एलसीएम लेने का तरीका सिखाता हूं जो दशमलव वाली संख्या उसको पकड़ो साढ़े सात का दुगना क्या होता है पंद्रह पंद्रह के पहाड़े में कौन सी संख्या आ जाएगी मान लो तीस तीस ले लो क्योंकि तीस में छे का भाग भी चला जाएगा और इसका तो जाएगा ही क्योंकि इसी का तो पहाड़ा लिया है अपन ने है ना तो पांच इंटू छत का चार गुना है ना अब सोचो नल की क्षमता पाइप है आ, नल की क्षमता कितनी है है और अगर उसके साथ लीकेज आ जाता है तो क्षमता कितनी हो जाती है चार हो जाती है इसका मतलब जो लीकेज है इसकी क्षमता माइनस एक है तो तीस यूनिट का एक की क्षमता से तीस घंटे में यह भरी हुई टंकी को खाली कर देगा यह आपका आंसर है बोलो बात समझ में आई ठीक है थर्टी सेम क्वेश्चन हमने अभी किया था इसी बात पे आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अच्छा राहुल बोल रहा है सर्कल छुट्टी है हमारे घर खाने पर आना पनीर की सब्जी खिलाऊंगा राहुल बिल्कुल आएंगे लेकिन जब तुम सिलेक्शन लोगे ना तभी तुम्हारे घर आएंगे फिर तुम फिर जो बुलाएगा उसके घर आएंगे हम ठीक है आ जाओ एक नल टंकी को सत्रह मिनट में भरता है दूसरा ग्यारह मिनट में खाली करता है टंकी पहले से ही छह बटे सात भरी हुई हो दोनों एक साथ खोल दें तो टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी यह गलत बात है यार पहले ही बता देते हैं खाली हो जाएगी तो आप लोगों से पूछना चाहिए कि टंकी खाली होगी कि भरेगी देखो ए चलेगा तो सत्रह मिनट ठीक है और बी चलेगा तो ग्यारह मिनट है ना तो यह हो गया यह भरने वाला है खाली करने वाला है देखो दोनों विषम संख्याएं हैं और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता तो आप क्या करोगे सत्रह और ग्यारह दोनों का गुणा कर लो सत्रह और ग्यारह का गुणा करोगे सात सात और एक आठ और एक इनका एलसी वन एट्टी सेवन है ना सत्रह का भाग दोगे तो ग्यारह आएगा ग्यारह का भाग दोगे तो सत्रह आएगा यह भरने वाला है यह खाली करने वाला है प्रश्न में लिखा है टंकी का छे बटे सात भाग भरा है है ना तो देखो हमारे पास टोटल क्षमता है वन एट्टी सेवन और इसका छे बटे सात भाग भरा है और अब दोनों नल को खोलेंगे तो आपको यहां दिख रहा है कि खाली करने वाला भरने वाले से तेज चल रहा है पानी जितना आएगा उससे ज्यादा निकल जाएगा मतलब खाली यहां पे टंकी अंत में होगी और जब भी क्षमता माइनस में हो या खाली करने वाला भारी पड़ रहा हो तो जितना पानी है वो उल्टा खाली होगा है ना तो ये 11 लीटर भरेगा ये 17 लीटर निकाल देगा मतलब कुल मिला के से और भाग दे दो ये क्या है कुल कार्य है और 6 से भाग देंगे क्योंकि ग्यारह में से सत्रह गया माइनस छ का भाग देंगे क्योंकि टंकी खाली हो रही है है ना और माइनस में आंसर आने का मतलब खाली होता है 6 से छ चला गया सात से भाग दोगे सात का दुगना फोर्टीन चौदह बचेगा आपके पास कितना चार और सात सात इंटू 42 और बचेगा पांच बटे सात तो ट्वेंटी सिक्स फाइव बाई सेवन में टंकी खाली हो जाएगी ये आपका आंसर है इज दी राइट आंसर हाँ बोलिए करेक्ट ठीक है याद क्लियर है 187 एट्टी टोटल काम है उसका 6 बटे सात हिस्सा भरा हुआ है और जितना भरा है उसको मिलकर खाली करेंगे तो छह से भाग देंगे छह से छे गया सात से भाग दिया इतने मिनट में टंकी खाली हो जाएगी इसी बात पे अगला सवाल ले लेते हैं ओके hmm. okay. ए बिल्कुल ठीक है दो नले तेरह नौ में भर सकते हैं एक एक मिनट ये ऑल्टरनेट वाला प्रश्न है है ना ऑल्टरनेट वाला यानी एकांतर क्रम वाला प्रश्न है काफी अच्छा टाइप होता है ये और ये भी आपको शायद करना आता होगा नहीं आता है मैं आपको बताता हूं बेसिक से अगर आपको पूरा सीखना है तो मैं अभी दो मिनट बाद आपको बताता हूं कि कैसे आप बेसिक से पूरा सीख सकते हो पहले सवाल में बताऊंगा देखो ए अगर चाहे तो तेरह मिनट में टंकी भर सकता है और बी अगर चाहे तो नौ मिनट में टंकी भर सकता है है ना तो तेरह और नौ, का LCM क्या आप अगर हैं, तो गुणा नौ ले लो। का का भाग दो तो नौ आएगी। नौ का भाग दोगे दोगे तो आएगी। और और नौ का गुणा कर तो आएगी। खुलेंगे और शुरुआत किससे होगी बी से यानी पहले एक मिनट बी खुलेगा फिर एक मिनट ए, ए खुलेगा फिर बी खुलेगा फिर बी फिर इस प्रकार एकांतर क्रम में काम चलेगा ऐसा यहां पे वो आपसे बोल रहे हैं है ना तो शुरुआत बी से होगी बी एक मिनट में तेरह यूनिट काम करेगा अगले एक मिनट में ए नौ यूनिट काम करेगा तो हमें पता चल गया कि दो मिनट में कितना बाईस यूनिट काम हो जाएगा और हमें ऐसा करते जाना है कहां तक एक तक तो बाईस का पहाड़ा एक तक लिया जा सकता है क्या तो हम ऐसा करते हैं बाईस का पहाड़ा पांच बार लेते हैं ऐसा कब तक चलेगा तो बाईस का पांच गुना कितना होता है एक सौ दस यूनिट और इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दस मिनट यानी दस मिनट में एक सौ दस यूनिट काम हो चुका है अब मुझे ये बताइए कि एक सौ सत्रह यूनिट में से एक सौ दस हो चुका है तो कितना हमारे पास शेष बचा है कितना हमारे पास रिमेनिंग बचा है सो दिस इज सेवन मात्र सेवन यूनिट काम हमारे पास बचे हैं और सबसे पहले करने कौन आएगा बी तो बी आएगा काम है सात जबकि उसकी क्षमता है तेरा तो वो एक मिनट से भी कम समय लेगा क्योंकि वो काम ज्यादा कर सकता है लेकिन उसके हिसाब से काम कम बचा है तो सात यूनिट काम बचाए कर सकता है तेरा तो इतना मिनट और लगेगा तो दस मिनट पहले लग गए थे सात बटे तेरह मिनट और लगेंगे इसमें सात यूनिट कर देगा तो एक सौ सत्रह यूनिट भी हो जाएंगे दस सात तेरह मिनट में टंकी भर जाएगी बी आपके प्रश्न का आंसर है बी इज राइट आंसर ओके है समझ आ रही है बात हम्म ठीक है ना भाई दो मिनट में बाईस यूनिट काम दो में बाईस चार में फोर्टी फोर छह में सिक्सटी सिक्स पहाड़ा चलेगा आप कितनी बार टेबल ले सकते हो पांच बार पांच का डबल पांच का इधर दस मिनट में एक सौ दस यूनिट हो गए मात्र सेवन यूनिट बचा है जबकि एफिशिएंसी बी की तेरह है तो सात बटे तेरह मिनिट में टंकी भर देगा सात यूनिट काम हो जाएंगे हंड्रेड एंड सेवनटीन यूनिट हो गए सेवन बाय थर्टीन टेन सेवन बाय थर्टीन मिनिट्स में टोटल वर्क खत्म हो जाएगा ये आपके प्रश्न का आंसर है ठीक है, ओके हाँ जिनको बेसिक से सीखना है मैं बता रहा हूं द्रुग जाओ जरा आपके लिए अच्छी चीज है चले आगे तो इसी के साथ आज के प्रश्न समाप्त हुए समय भी समाप्त हो गया है इसके नोट्स की पीडीएफ अब भी आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च कर लेना तीन लाख से ज्यादा लोगों का परिवार है ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और सोमवार रात हम मिलेंगे वापस बजे रोज साढ़े आठ बजे रात को हम मिलते हैं और एक चैप्टर उठाते हैं और उसके बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स करते हैं तो सोमवार है ना त्रिभुज चतुर्भुज और आयत वर्ग वृत्त इस प्रकार के पूरे प्रश्न करेंगे साढ़े आठ बजे रात को आप लोग आ जाना जिन लोगों को मैथ्स एकदम बेसिक से सीखना है तो आपके पास दो ऑप्शन है पहला तरीका है अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो अगर आप ऐसे हो कि सर हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते पैसा नहीं है तो मेरी एक मैथ्स स्पेशल चैनल है जिसका नाम है आदित्य पटेल विनर्स इस पर मैंने बहुत सारा पढ़ाया हुआ है आप इस पे जा सकते हो और अगर आप पेड कर सकते हो आप एक अच्छा कोर्स चाहते हो कि अच्छे से सिस्टमेटिक सारे चैप्टर्स उनके नोट्स प्रैक्टिस मटेरियल टेस्ट सब चीजें आपको मिल जाए क्योंकि हर चीज यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है तो ये आपको विनर्स की ऐप पर मिल जाएगा और एक कल संडे स्पेशल ऑफर है जिसमें आप ओडल हंड्रेड ऑफ फाइव हंड्रेड कूपन कोड का यूज करके आप मेरा कंप्लीट मैथ्स का फाउंडेशन बैच ले सकते हो एकदम जीरो लेवल से अगर आपको बहुत अच्छे लेवल तक जाना है तो लाइव बैच भी उपलब्ध है और रिकॉर्डेड बैच भी उपलब्ध है अपने हिसाब से दोनों में कोई फर्क नहीं है कंटेंट हर चीज सेम है कुछ लोगों को लाइव में समझ में आता है कुछ लोगों को रिकॉर्डेड या कोई जॉब में या किसी कारण से आप लाइव नहीं देख पाओगे हालांकि लाइव क्लास में भी सारी क्लासेस रिकॉर्डेड अवेलेबल होती है लेकिन आपको ऐसा है कि नहीं सर लाइव नहीं मुझे तो एक दिन में पांच पांच घंटे पढ़ना है छे छह घंटे पढ़ना है तो फिर आप रिकॉर्डेड लीजिए आप चाहते हो कि नहीं सर मैं तो बस एक घंटे डेढ़ घंटे रोज पढ़ना चाहता हूं तो आप लाइव लीजिए बस इतना ही फर्क है बाकी क्वालिटी का कॉन्टेंट का कोई फर्क नहीं है तो आप ये कूपन कोड यूज करके सिर्फ चौबीस घंटे का ऑफर है आप ले सकते हो और पूरा मैथ्स आपने देखा ही है किस तरीके से मैं पढ़ाता हूं तो आपको लगता है आप ले सकते हो सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे सिस्टमेटिक जीरो लेवल से आप पढ़ सकते हो बाकी नहीं तो फिर यूट्यूब है आप एक बार इस चैनल पे विजिट करिए आपको बहुत सारे चैप्टर सीखने को मिल जाएंगे और अब अपनी मैथ्स की बुक भी आ चुकी है तो आप इसे भी बुला सकते हो फ्लिपकार्ट अमेजोन से बाकी विनर्स की एप डाउनलोड करो ये सारी सुविधाएं और ये सारी चैनल्स हैं इस चैनल की मैं बात कर रहा था इस, पे इस पर आप जुड़ जाइए बहुत सारा कॉन्टेंट इस पर अवेलेबल है बाकी सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए चाहे मोटिवेशन की हो बैंक की हो एमपीपीएससी की हो और फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो आदित्य पटेल विनर्स के नाम से आज फिर मैंने एक फोटोग्राफ शेयर करी है आप देख लेना इंस्टाग्राम पे जाके और फेसबुक पर भी तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं उम्मीद है आपको मजा आया होगा लाइक करने का बिल्कुल नहीं बोलूंगा कमेंट करने का बिल्कुल नहीं बोलूंगा सब्सक्राइब करने का भी नहीं बोलूंगा आपकी इच्छा है तो करो नहीं तो बिल्कुल भी दबाव नहीं है ठीक है कल संडे है मैं कुछ स्पेशल प्लान कर रहा हूं सरप्राइज दूंगा या तो शाम को सात बजे या तो मैं लाइव आऊंगा या कोई रिकॉर्डेड लेक्चर लेक्चर नहीं कल पढ़ाई नहीं करेंगे कुछ अलग करेंगे कल मेरी ऑफलाइन क्लास है आ, तो वो यूट्यूब पे तो कल नहीं रहेगी लेकिन ऑफलाइन रहेगी लेकिन शाम को कल मैं कुछ जरूर प्लान कर रहा हूं तो देखते हैं क्या होता है कल शाम को आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा ठीक है चलिए तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज का सेशन बाकी फिर सोमवार को वापस अपने समय पर मिलेंगे तब तक ले टाटा बाय बाय टेक केयर जय हिंद वंदे मातरम खुश रहिए मस्त रहिए मुस्कुराते रहिए मेहनत करते रहिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू